What does the graph say? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू ट्रेडिंग फॉर ट्रेडिंगफैप.इन। एक और लर्निंग वीडियो आपके लिए। हमेशा कई सारे लोगों के कॉल्स आते हैं, उसमें कॉलेज स्टूडेंट्स भी होते हैं, जॉब करने वाले भी होते हैं और फ्रेशर्स होते हैं जो स्टॉक मार्केट में काम करना चाहते हैं। तो उनका सवाल होता है कि कौन से ब्रोकर के पास हम डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें, कितना कैपिटल लगेगा, कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करें, कहाँ पर बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो इस पूरे सब्जेक्ट को, एक बेसिक मेजर पॉइंट्स है कुछ, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे 10 मिनट के इस वीडियो में। तो सबसे पहले पॉइंट रहता है कि कैपिटल कितना लगेगा, दूसरा पॉइंट रहता है कि कौन से ब्रोकर के पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट ओपन करें, तीसरा पॉइंट होता है कि स्टॉक सिलेक्शन कैसे करें, और चौथा पॉइंट होता है कि स्टॉक को कब बाय और सेल करना है। तो पॉइंट वाइज एक एक देखेंगे। सबसे पहले कि कैपिटल कितना लगेगा। स्टॉक मार्केट में कैपिटल आपको लगेगा मिनिमम 1000 रुपीज़। अगर आपका इनकम, आपका सैलरी, अगर इसको तीन पार्ट में हम कर दे तो फर्स्ट खर्चा, दूसरा सेविंग और तीसरा इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टमेंट जो आप करेंगे वो आपका बढ़ना चाहिए। तो मिनिमम 1000 रुपीज़ भी आपका अगर इन्वेस्टमेंट है स्टॉक मार्केट में तो भी सफिशियंट है। तो हर एक मंथ में आप 1000 रुपीज़ इक्विटीज़ में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हमारा नेक्स्ट होगा, अगर स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपके पास ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट होना बहुत ज़रूरी है। तो अभी ऑनलाइन ट्रेडिंग का ज़माना है, वो टाइम चला गया जब ब्रोकर्स को कॉल करके हम बाय और सेल के ऑर्डर्स डालते थे। 10 साल पहले ज़ीरोधा ने डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म ये इंट्रोड्यूस हुआ था, तभी इक्विटी इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो कर दिया था, ज़ीरो ब्रोकरेज लगा दिया था। पहले 0.5-0.3% ब्रोकरेज देना पड़ता था, अभी ये एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद कई सारे ब्रोकर्स ने ये फॉलो किया है और कई सारे अभी डिस्काउंट ब्रोकरेज फर्म्स मार्केट में है। उसमें सेकेंड लार्जेस्ट अपस्टॉक्स है, काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है। तो ये ज़ीरोधा और अपस्टॉक्स दो टॉप के ब्रोकरेज हाउस है, यहाँ पर आप ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन करना है तो आप हमारे वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं, एक स्पेशल ऑफर है। अगर आप हमारे अंडर, हमारे पार्टनर रेफरल आईडी के अंडर अगर आप ओपन करते हैं तो हमारे जो इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप है वो आपको एब्सोल्युटली फ्री में मिल सकती है। अगर आप फ्यूचर में इंट्राडे ट्रेडिंग करना चाहे तो आपको सिर्फ यहाँ पर जाके अप्लाई हियर पे क्लिक करना है, और जैसे ही ये वेब पेज ओपन होगा तो यहाँ पर आपको ऑनलाइन डिटेल्स प्रोवाइड करने हैं। एक दिन में अकाउंट ओपन हो सकता है अगर आपके पास डॉक्यूमेंट्स सब रेडी है तो। अकाउंट ओपन होने के बाद आपको क्लाइंट आईडी, हमें इस नंबर पे कॉल करके क्लाइंट आईडी कंफर्म करना है ताकि हम आपको इंट्राडे प्रीमियम मेंबरशिप में ऐड कर सके। तो ये हो गया अकाउंट ओपनिंग के बारे में। थर्ड है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए जहाँ पर हम जो इन्वेस्ट करें वहाँ पर सिक्योर फील होना चाहिए। तो सिक्योर फील कब होगा, जब निफ्टी 50 के जो 50 कंपनीज है अगर हम उसमें इन्वेस्टमेंट करें तो ज़्यादा सिक्योर हम फील करते हैं, क्योंकि निफ्टी का जो इंडेक्स है ये निफ्टी 50 के कंपनीज़ के ऊपर कैलकुलेट होता है। जैसे निफ्टी आगे बढ़ता है तो निफ्टी के 50 स्टॉक भी धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, उनके ऊपर ही ये कैलकुलेट होता है बेसिकली। तो जो निफ्टी के जो ग्रुप्स हैं, निफ्टी 50, निफ्टी नेक्स्ट 50, उसमें से निफ्टी 50 का जो ये ग्रुप है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपको निफ्टी 50 के अंदर जो भी 50 कंपनीज़ है इसका पूरा लिस्ट यहाँ पर मिल जाता है। तो अभी ये स्टॉक तो मिल गया, 50 स्टॉक की लिस्ट मिल गई, अभी इसमें कौन से स्टॉक में एग्जैक्ट टाइम के ऊपर हमें बाय और सेल करना है ये कैसे आइडेंटिफाई होगा। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा एक स्टडी करना पड़ेगा, चार्ट पैटर्न्स का चार्ट एनालिसिस करना पड़ेगा, प्राइस बिहेवियर को समझना पड़ेगा उस स्टॉक के। तो इस वीडियो में कोशिश करेंगे आपको क्विकली से इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। तो ये जो 50 स्टॉक है, ये हमने ज़ीरोधा का हमारा एक ट्रेडिंग अकाउंट है, इस पे हमने ये ऐड कर दिए। तो यहाँ पर ऐड करने के बाद जैसे ही आप ये चार्ट के ऊपर क्लिक करते हैं तो राइट साइड में इसका चार्ट ओपन होता है। यहाँ पर हमने मंथली चार्ट को सिलेक्ट किया है, आपको भी मंथली चार्ट सिलेक्ट करना है अगर आपको लॉन्ग टाइम इन्वेस्टमेंट करना है, ट्रेडिंग करना है, पोजिशनल ट्रेडिंग करना है तो आपको मंथली चार्ट सिलेक्ट करना है। और यहाँ से आप बार चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, कैंडल्स सिलेक्ट कर सकते हैं, लाइन चार्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ट्स है,
अगर आपको ये टेक्निकल एनालिसिस समझना है, चार्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है ये समझना है, तो हमारा एक वीडियो है टेक्निकल एनालिसिस फॉर बिगिनर्स, वो वीडियो देख लीजिए तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि चार्ट का स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसकी लिंक यहाँ नीचे कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और ऊपर आई बटन में आपको मिल जाएगी, तो वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए तो आपको आइडिया ये क्लियर हो जाएगा। तो ये प्राइस के पैटर्न, प्राइस के बिहेवियर को समझते हैं। हमें ऐसे स्टॉक सिलेक्ट करने चाहिए जो अप ट्रेंड में हो, और अप ट्रेंड में निफ्टी 50 के मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स ये अप ट्रेंड में होते हैं। तो अभी ये अप ट्रेंड में है, ये कैसे समझा जाए, तो उसके लिए एक टेक्निक है। अप ट्रेंड के भी तीन पार्ट्स होते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रेंड, मिड टर्म ट्रेंड और लॉन्ग टर्म ट्रेंड। ये एक पिक्चर है, यहाँ पर शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, मिड टर्म ट्रेंड लाइन और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया है, और इसके ऊपर नीचे ये प्राइस यहाँ से अप एंड डाउन होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, ये जब भी 20 EMA के पास आता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ट्रेंड लाइन के पास आता है तो इसका सपोर्ट लेके ये बाउंस बैक होता है। ये 20 EMA का है शॉर्ट टर्म ट्रेंड लाइन, ये मिड टर्म ट्रेंड लाइन है 50 EMA का, और लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है 100 EMA का। तो जैसे ही इन ट्रेंड लाइन्स के पास आता है तो यहाँ से हमें एक बाउंस बैक देखने को मिलता है। तो जब ट्रेंड लाइन के पास ये प्राइस आता है तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी इस स्टॉक में क्रिएट होता है। तो ये जस्ट एक पिक्चर है, हम अभी उस चार्ट में, उस स्टॉक के चार्ट में चल के देखते हैं क्या ऐसा वाकई होता है। तो ये हमारा ज़ेरोधा का, जैसे कि हमने बताया, ट्रेडिंग अकाउंट है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये राइट साइड में चार्ट ओपन होता है, और यहाँ पर हमें सिलेक्ट करना है मंथ वाइज चार्ट, यानी एक कैंडल एक मंथ का ओपन प्राइस, क्लोज प्राइस, हाई प्राइस और लो प्राइस हमें यहाँ पर प्रेजेंट करता है। ऊपर यहाँ पर देखिए ओपन, हाई, लो और क्लोज, ये प्राइस यहाँ पर हमें दिया गया है। एक एक महीने का एक एक कैंडल है। तो यहाँ पर अभी हमें ट्रेंड लाइन प्लॉट करना है। ट्रेंड लाइन के लिए हम यहाँ पर मूविंग एवरेजेस को यूज़ करेंगे। उसके लिए आपको इंडिकेटर्स में जाना है और मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल सिलेक्ट करना है। यहाँ पर मैं चार मूविंग एवरेजेस सिलेक्ट करता हूँ, इसको एडिट करके इसके पैरामीटर्स चेंज कर देता हूँ। फर्स्ट होगा 20 EMA, यानी 20 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं, थिकनेस बढ़ा देता हूँ। सेकेंड होगा 50 EMA, इसका भी कलर मैंने चेंज कर दिया ब्लू। और ये थर्ड होगा 100 मंथ का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसका भी कलर चेंज कर देते हैं, इसका ग्रे कर देते हैं। और चौथा होगा 200, और इसका कलर कर देते हैं ब्लैक। तो ये मूविंग एवरेजेस हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिए। तो अगर आप देखें ध्यान से, तो ये जब भी 20 या 50 या 100, ये जो हमने ट्रेंड लाइन एज अ मार्क की है, इसके ऊपर जब भी ये ट्रेंड करता है तभी इसे अप ट्रेंड में कहा जाता है। ये तीनों मूविंग एवरेजेस जब भी असेंडिंग ऑर्डर्स में होते हैं और इसके ऊपर ये प्राइस जब भी ट्रेड होता है तभी इसे अप ट्रेंड कहा जाता है। और ऐसे स्टॉक हमें सिलेक्ट करने जो अप ट्रेंड में है, तो हमें मंथली चार्ट हमेशा फॉलो करना है अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे तो। और जैसे ही आप मंथ के एंडिंग में ये स्टॉक्स लगा दीजिए आपके ट्रेडिंग अकाउंट में, और एक एक स्टॉक, 50 स्टॉक है, मुश्किल से एक घंटा या आधा घंटा लगेगा, शुरू में ज़्यादा टाइम लगेगा, बाद में जैसे जैसे आप इससे फैमिलियर होते जाएंगे आपको कम टाइम लगेगा एनालाइज करने के लिए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जैसे ही ये 20 EMA या फिर 50 EMA के पास आता है, 100 EMA के पास आता है, यहाँ से ये सपोर्ट टेस्ट करके बाउंस बैक होता है। ये देखिए यहाँ पर, फिर ये यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो ये जब भी 20, 50 या 100 EMA के पास आता है तो यहाँ से ये बाउंस बैक होता है, और कंटिन्यूज निफ्टी 50 के जो मोस्ट ऑफ द शेयर्स है वो कंटिन्यूज अप ट्रेंड में रहते हैं। तो आपको जैसे ही मंथ खत्म होता है, 1 तारीख को आपको देखना है कि कौन सा स्टॉक अपने 20 या 50 या 100 EMA के पास है। अगर ये 20 EMA के पास आ गया, आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर ये 20 EMA के पास आता है, ये जो ब्लू लाइन है, ये रेड कैंडल जो है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 356 का प्राइस चल रहा था, और नेक्स्ट मंथ ये जो ग्रीन कैंडल बना है ये 406 के पास चला गया। यानी अगर आप इस मंथ के एंड में यहाँ पर अगर बाय करते तो नेक्स्ट मंथ ये 406 तक ये प्राइस चला गया था। तो जब भी ये ट्रेंड लाइन के पास आता है तभी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पर क्रिएट होता है।
अगर ये इसको ब्रेक करके नीचे भी आता है तो भी ये कंटिन्यूस अप ट्रेंड में होने के वजह से ये जो इन्वेस्टमेंट है आपके 1 साल 2 साल तो ये सिक्योर्ड रहते हैं, आपको लॉन्ग टर्म में ये हमेशा कुछ ना कुछ अच्छे रिटर्न्स देके चला जाता है। और 2-3 स्टॉक्स देख लेते हैं, एक्सिस बैंक, ये देखिए एक्सिस बैंक का ये मंथली चार्ट का सिनारियो है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये 100 EMA के पास आने के बाद बाउंस बैक हुआ है, बाद में यहाँ पर फिर ये यहाँ पर 100 EMA के पास आने के बाद बाउंस बैक हुआ है, यहाँ पर 50 EMA के पास आने के बाद बाउंस बैक हुआ है, तो कई सारी यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 50 EMA के पास आया था तभी 378 प्राइस था, बाद में ये यहाँ पर चला गया 637, ऑलमोस्ट डबल हो गया प्राइस, यानी आपकी इन्वेस्टमेंट डबल हो गई है। तो ऐसे एक एक करके स्टॉक्स आप देख सकते हैं और आपकी बाइंग टाइमिंग क्या होनी चाहिए ये आप यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। 0.5% चांसेस होते हैं कि निफ्टी 50 के जो कंपनीज हैं वो नेक्स्ट डे यहाँ पर कुछ बैड न्यूज़ आ जाए तो यहाँ से प्राइस गिरने की 0.5% चांसेस होते हैं। तो एग्जिट कब करें, जब ये 200 EMA का ये जो ब्लैक लाइन है इसके नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो आप उस स्टॉक में से एग्जिट हो सकते हैं। एग्जिट भी पता होना चाहिए हमें कब एग्जिट करना है, अदरवाइज निफ्टी 50 के स्टॉक्स इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छे हैं। तो अगर आपके पास 1000 रुपीज़ भी है तो आप एंड ऑफ द मंथ ऐसे एनालिसिस करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्टॉक मार्केट में लगा सकते हैं, जिससे आपका पैसा धीरे धीरे ग्रो हो सकता है। ये एक एनालिसिस था, कुछ पॉइंट्स थे, हमारा जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर किया है। आप खुद इसे एनालिसिस कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेडिंग कीजिए, फिर इसके ऊपर आपका ओपिनियन बना के इसके ऊपर काम कीजिए। तो ये एक छोटे से वीडियो में एक्सप्लेन करने की कोशिश थी। अगर आपको ये वीडियो एनालिसिस अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आपके दोस्तों के साथ भी इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच एंड हैप्पी ट्रेडिंग।